मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, सुबह से ना गुस्सा भी गुस्सा दिया जा रहा है मेरे को। देखा मैं नहीं पता कौन है कि किसका सामान है। मम्मी का तीन रह गए, तेरे क्या करना। ओ वर्ड चलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 3 है, आज की 24 है। हाँ तो आज है डे 24 डेली व्लॉगिंग का। 6 ये तो 7 होते हैं, 6 डेज टू गो और 6 दिन और रहते हैं। और बहुत खुशी हो रही है मुझे, लास्ट वीक है, इसको हो जाएगा धीरे 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 धीरे। सो के मैं उठ गई थी 8-1 बजे और अभी जस्ट बाहर आई हूँ। अब आज का मौसम कुछ ऐसा ही है, बादल बादल से दिखाती हूँ। आज का मौसम कुछ ऐसा है, देखो बिल्कुल बादल बादल छाए हैं। बारिश बारिश आज के लिए बोला नहीं है कि होगी, लेकिन हो भी सकती है, क्या पता। देखो आज एक यूनिक सी चिड़िया आई हमारे घर में, फोकस ये देखो। और दीदी यहाँ पे सुबह सुबह कपड़े धो रहे हैं इतनी ठंड में भी। मदर ड्यूटी इज फर्स्ट, कल मुझे जाना है। मैं चाहती हूँ कि विशुद्ध के कपड़े सारे सूख के ही जाए यहाँ से। आप लोगों को कैसा लग रहा है मैं जा रही हूँ? मधु दीदी कल वापस जा रहे हैं, विशुद्ध भी चला जाएगा। और थोड़ा बुरा तो लग रहा है क्योंकि अब मजे आते हैं हम लोगों को सारे जब इकट्ठे होते हैं। तो दिन के बजे 12:30 और मुझे जाना है अभी, गोबर लेके जाना है, सड़ा हुआ गोबर लेके जाना है खेत के लिए, क्योंकि कुछ पेड़ों के पास ना गोबर कम पड़ गया था खेत में, तो वो लेके जाएंगे। ये भर के रखा है गोबर और ये है सड़ा हुआ गोबर, ये ले जाना है। काफी भारी ही है, मतलब इतना हल्का नहीं है। चलते हैं खेत की तरफ, कैमरा भी बहुत हिल रहा है। लीली यहाँ पे खा रही है जोड़ी, लो जी। ये है लवली का चिगू और ये है लवली की गाय और वो है लवली की बच्ची। और ये यहाँ पे कूड़ा जल रहा है, हवा चल रही है तो, और भी यहाँ खेल रहे हैं। मम्मी पहले चले गए थे, उन्होंने मुझे गोबर भर के रखा था, अभी जा रही हूँ। ये बड़ी मम्मी है और मम्मी वापस भी आ गई, अभी मैं खेत जा रही हूँ, मम्मी वापस जा रहे हैं। तो जहाँ तक मम्मी ने गोबर डाला है ना, मैं उससे आगे डालूंगी। मम्मी ने यहाँ तक गोबर डाला है तो यहाँ पे मैंने गोबर डाला। आपको दिखाती हूँ कि बादाम में ना फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ टाइम से। तो ये देखो ये है बड बादाम के और इसमें ना फ्लावरिंग शुरू होने वाली है अब। ये देखो आगे चल के इसी में बादाम लगेंगे। 20-21 दिन तो लग ही जाएंगे फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग होगी फिर सेटिंग होगी फिर बादाम लगेंगे, फिर उनको भी दो एक मंथ तो लगेंगे उनको भी अच्छी तरह से डेवलप होने में और अंदर का जो बादाम होता है उसको पूरा बनने में, तो फिर हमारे बादाम तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर बच गया है सिर्फ एक ही कद्दू रह गया। देखो हम धीरे धीरे करके इन कद्दू को घर ले गए और गाय को खिला दिए, अब यहाँ पे एक ही रह गया। और ये वो झाड़ू है जो मैंने पिछले कल भी दिखाए थे। और आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, बादल वाला मौसम है ना। पर लेकिन यहाँ से व्यू अच्छा है, वो दिखा देती हूँ आपको। हमारी इतनी हवा चल रही है ना, मुझे एकांत में बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कमरे में आके चोरी से बोल रही हूँ। और मम्मी आने वाले, मैं सोच रही थी मम्मी से छुप जाती हूँ, लेकिन मम्मी तो इतनी जोर से आवाज़ दे के मुझे आंसर करना ही पड़ा, क्योंकि मम्मी घास, अभी हम घास लेके जाएंगे और मम्मी ना दूसरी बार खेत आ गए हैं, तो ये जो पीछे घास दिख रहा है ना ये हमें ले जाना है। मैं मम्मी से छुप रही थी पर मम्मी ने मेरा सारा मजा खराब कर, इतने जोर से चिल्लाए ना कहाँ है, तो मुझे बोलना पड़ा ये पता नहीं। और हमारे घर पे यहाँ पे सामान छोड़ के गया कोई, हमें नहीं पता कौन है कि किसका सामान है, खज्जल हो गए कि ये सामान किसका है। यार मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, सुबह से ना गुस्सा भी गुस्सा दिया जा रहा है मेरे को। देखा अभी भी कर रहे हैं गुस्सा, बिना ही मतलब के, कुछ हुआ भी नहीं फिर भी ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और जो पीछे सामान था ना वो हमारा ही है, नागाधार से ना बुआ जी मतलब मामा जी आए हैं, तो उन्होंने इसमें थोड़े से सेब और थोड़ी सी सब्जी लेके आए हैं, अरबी की सब्जी आई थिंक, तो ये भी घर ले जानी है। पता नहीं था, मैंने पिताजी को कॉल करके पूछा कि यहाँ सामान है किसका है, तो उन्होंने बोला अपना ही ले जाना। और अब ना हम घास नहीं ले जाएंगे, अब पहले ये सामान ले जाएंगे जो यहाँ पे है। अब मैं और मम्मी चल पड़े हैं घर, और अब घर जाके ही मिलते हैं आपसे। पानी लिली का पानी है, आप क्या कर रहे हो इसके साथ? हाँ लकड़ी से पानी, ये देखो लकड़ी ना पानी में डाल रहे हो, इसको बड़े मजे आ रहे। तो अभी मैं जा रही हूँ फिर से दूसरे घर, क्योंकि मुझसे चाबी मांगी है वहाँ पे शटर की। राहुल और पिताजी आज कहीं गए थे, उन्होंने कुछ सामान लेना था तो वो लेके आ रहे हैं, तो उसकी वो हमें शटर में ही रखना है वहाँ पे, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। और राहुल ने कॉल करके बोला कि आ जा, हम भी पहुँचने वाले हैं 10-15 मिनट में। तो जहाँ हम रहते हैं अभी और जो हमारा नया घर बन रहा है, तो इसमें 5 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है,
तो मैं जा रही हूँ, अभी राहुल भी आएगा। अभी मैं पहुंची हूँ यहाँ पे घर पे, और मुझसे कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप बड़ी मम्मी को बड़ी मम्मी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ताऊ और ताई नहीं बोलते, हमारे यहाँ बड़े पापा या बड़े मम्मी बोलते हैं। पिताजी को हम पिताजी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े दीदी है ना कमला दी, तो उन्होंने जब वो पैदा हुए थे तो पिताजी को उन्होंने पिताजी बोलना शुरू किया था, तो हम पीछे से सब उनको पिताजी ही बोलते हैं, और बड़े मम्मी को हम यहाँ पे बड़े मम्मी बोलते हैं। हाँ, बड़े मम्मी मतलब बड़े मम्मी, और मेरी मम्मी मतलब छोटी मम्मी, तो इस तरह से है, इसलिए हम उनको बड़े मम्मी बोलते हैं। तो ये आया राहुल ब्रो, ये गाड़ी मोड़ रहा है पहले सीधे ही। ड्राइविंग स्किल्स देखने को मिलेंगी आपको भी यहाँ लड़के की, ये देखो। अब राहुल बैक करके लाए हमारे बाजीराव राहुल मूछों को ताव देते हुए। ये चाबी, राहुल एक रोबोट है इसीलिए तेल पीता है, और अपने लिए तेल लेके आया है। इसकी आवाज मुझे इतनी गंदी लगती है ना, शटर की जब ही ऊपर होता है। चलते हैं। ये आया जी HP ऑयल, ये मैं पीता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। ये चलो अंदर, ये 20 लीटर का इतना गर्म, एक है तो यहाँ पे ऑलरेडी भी, ये वाला पिछले साल का बच्चा है। अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी ड्राइव पे, नीचे गया ऐसे। कल्पना दीदी ला ले, कल्पना दीदी और अरब कितने बजे आएंगे हैं, बस आ गए तो भी आ गए थे नहीं हम। तो अब हम जा रहे हैं नीरज की तरफ, चाउमीन भी खाएंगे, एक मोमोज खा लिए, और कल्पना दीदी आ रहे हैं उनको लेने जा रहे हैं। एक दादी ने लिफ्ट ली, इनको थोड़ा आगे जाना है, तो इनको भी वहां तक छोड़ देंगे। तुम देखी थी क्या, ब्याज देखी मैं तुम पहली बार जय श्री प्रभु जी की, जय श्री प्रभु जी की। सॉरी बहन, ओ पता क्या नंबर खाई है, आने वाला मिला। ब्रेप को ये को तेरे फोन किया, ये को तेरे फोन किया, मेरे फोन ब्रेप का दे यू तेरे फोन ते तक और मुका दान मुका ना मंगा आनु कर लो टेनु जान हो। दादी को छोड़ दिया यहां पे, यहां तक उन्होंने जाना था, बहुत मस्त थे, बहुत मजा आया उनसे बातें, और रास्ते में ना उनको एक दूसरी दादी मिल गई, उन्होंने बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको, फिर वो दोनों दादियां बातें करने लगी। मैंने थोड़ी सी क्लिप रखी है उनकी, आप देख लेना, वो पहाड़ी में तो वो क्लिप रखी है ना वहाँ पे दोनों। मैंने दूसरी दादी के गले में वो श्री प्रभु जी की प्रभु जी का फोटो देखा, फिर मैंने बोला ठीक है फिर ओके श्री प्रभु जी की, और वो खुश होके बहुत ज्यादा खुश हो। अभी हम पहुंच गए नीरथ में, अब तो हम खाएंगे जी चाउमीन, मोमो ब्रो खाएंगे मोमोज, हम खाएंगे चाउमीन। तो खा लिया ना, देखो मुझे यहाँ कौन मिले, रोहित और मनुदाई, ये दोनों हमसे पहले आ गए, ये दोनों भाई बहन भी आए हैं, हम दोनों भाई बहन भी आए हैं। तो सूप आ गया है, मोमोज भी आ गए, मेरा चाउमीन राहुल के मोमोज। Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think. चलते हैं। चाउमीन फिनिश, मोमोज फिनिश। तो निपट के आ गए हैं, बहुत ही यम्मी चाउमीन और मोमो बनता है यहाँ पे ना। अगर आप कभी नहीं रहते आएंगे ना, यहाँ पे एक शॉप है तो मैंने बहुत बार व्लॉग में दिखाई है, तो आप यहाँ के चाउमीन मोमो खा सकते हो। सूप मिलता है इतना टेस्टी, और जितनी बार पीना है उतनी बार सूप मिलता है, वो भी फ्री में।
ये आ गया कल्पना दीदी। कल्पना दीदी यहीं से पाए लागू। ये हमारे जीजा जी। नमस्ते जीजू। अरे आरव। हेलो गाइस। लो ऑफिशियली नमस्ते जीजू। नमस्ते दीदी। मेरी दीदी नंबर 4। हाँ कल्पना दीदी। हाँ ये दीदी नंबर 4 कल्पना दीदी। ये नंबर 4 वाले जीजू हैं। दे दो मेरे पास, दे दो बैग। इनका शैतान बच्चा आरव। अभी कर रही हूँ मैं डिनर, और डिनर में है राजमा की दाल, चावल और चपाती, और घी भी है साथ में। तो आज है विश्रुत का लास्ट दिन यहाँ पे, कल अपने घर जा रहा है। विशुद्धि विशुद्धि सुमन बोल दिया जाने से पहले एक बार। सुमन सुमन नहीं 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 बोलेगा, नींद जैसी भी अच्छी को गिच्छू। ये है शाम का मेला घर में लगा हुआ। बच्चे अपने खेल रहे हैं, बड़े बड़े लोग अपने यहाँ बातें कर रहे हैं। दीदियाँ भी आई हैं आज, दो दीदी आई हैं, एक दीदी बाद में आई। आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। न्यांग। और विश्रुत सो चुका है क्योंकि रात के बज रहे हैं 12:30, एक बजने वाला है। फिर आप क्लिक 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 यहाँ करो, क्लिक किक। अरे शाशु ये वैन है छोटे, सासू गुणा तीमा तीमा तीसरा तोड़िया मेरे सासू के डे भगवान ना कहना। अच्छा।